नमस्कार दोस्तों, मैं राजेन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मुझसे और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इन बचे हुए दिनों में हम किस प्रकार से प्रिपरेशन करें हमारे सारे सब्जेक्ट की कि हम सभी सब्जेक्ट को आसानी से क्लियर कर पाएँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, जिनसे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती और किसी न किसी तरह से वो इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, यानी इस साल यानी 10th क्लास में वो अपने आप को इस सब्जेक्ट में पास करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। वैसे आज हम इस वीडियो में केवल मैथ सब्जेक्ट की बात करेंगे कि मैथ सब्जेक्ट को किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्लियर कर पाएँ, यानी एग्ज़ाम में हम मैथ सब्जेक्ट को किस प्रकार से पास कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जितने भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में फेल होते हैं उनमें ज़्यादातर बच्चे मैथ्स में ही फेल होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि मैथ्स को बच्चे हवा समझते हैं, यानी मैथ्स का एक तरह का फोबिया है, डर है उनको मैथ का। तो पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण ये हुआ कि मैथ्स का सही तरीका क्या है पढ़ने का, यही उन्हें नहीं मालूम होता है कि मैथ्स को किस ढंग से पढ़ा जाए। और तीसरा और सबसे ज़रूरी कारण ये है कि एग्ज़ाम में जब पेपर दे रहे होते हैं तो मैथ्स के पेपर को किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाए कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो ले ही आएँ। अब आप ये कहेंगे कि हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स ही नहीं चाहिए, हमें तो 60+ या 70+ मार्क्स चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे फेल होते हैं उन सभी बच्चे इसी वजह से फेल होते हैं कि वो 60+ और 70+ नंबर लाना चाहते हैं। अगर वो बच्चे सिर्फ पास होने के लिए पेपर दें या पास होने के लिए पढ़ें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो वो कभी फेल नहीं हो सकते, ये मेरा चैलेंज है। आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से अपने पासिंग मार्क्स ला सको। तो चलिए जानते हैं हम इस बोर्ड के ऊपर कि उस ट्रिक को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे पेपर में ताकि हम आसानी से पासिंग मार्क्स ले आएँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ्स पेपर में 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में भी 6 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में भी 6 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन डी में 8 क्वेश्चन होते हैं। सपोज़ करिए कि एक सभी क्वेश्चन तो हमको आते नहीं हैं, तो हमको हो सकता है कि सेक्शन ए में से केवल 2 ही क्वेश्चन बन रहे हों, सेक्शन बी में से भी हमको 2 क्वेश्चन बन रहे हों, सेक्शन सी में से भी हमको ओनली 2 क्वेश्चन बन रहे हों और सेक्शन डी में से हमें ओनली 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसा अपन मान लेते हैं। तो सेक्शन ए में से अगर 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन होता 1 मार्क्स का, तो हमारे पास कितने मार्क्स आ गए, 2। सेक्शन बी एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन कितने हो गए, 4 मार्क्स के। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन कितने के हो गए, 6 मार्क्स के। इसी प्रकार से सेक्शन डी में होते हैं एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो आपके कितने हो गए, 8। अगर हम इसको टोटल करते हैं तो हमारे पास आते हैं 20 मार्क्स आपको यहाँ पर आ चुके हैं। और टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 30 और आपने उसमें से केवल अभी कितने किए हैं, 8 क्वेश्चन किए। तो अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 22 क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं, 22 क्वेश्चन, ठीक है। 20 मार्क्स आपके आ चुके हैं, आपको टोटल कितने मार्क्स चाहिए, ओनली 27 मार्क्स, जिसमें से 20 मार्क्स तो आप ला ही चुके हैं। जो बाकी 22 क्वेश्चन बचे, हो सकता है उनमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, लेकिन उन सभी क्वेश्चन को हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट तो कर ही सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि एक क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है, उसमें डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है और आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ये एक क्वेश्चन है। आप उसको कैसे स्टार्ट करोगे मैं बताता हूँ। जैसे आपने स्टार्ट किया कि डायमीटर सपोज करिए आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी रेडियस निकाल लीजिए आप, रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ रेडियस होती है। फिर आपको एच दे रखा है, एच कितना दे रखा है, सपोज करिए आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है एच की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πRH। देखिए यहाँ तक तो आपने कोई अपना दिमाग नहीं लगाया, ये भी आपको गिवन था, ये आपने निकाल लिया, ये भी गिवन था और एक कर्व सरफेस का फार्मूला, सिर्फ इतना ही आपको क्वेश्चन आ रहा है, इसके आगे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, छोड़ दीजिए आप क्वेश्चन, इतना ही छोड़ दीजिए। तो इतनी लाइन का आपको 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 22 क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं और सभी में आपने इतना इतना कर दिया, तो आपको 22 × 1 मतलब कितने हो रहे हैं, 22 मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है। 20 मार्क्स आपके पहले आ चुके थे, 22 मार्क्स ये हो गए,
तो टोटल मिला के 22 और ऐड कर दीजिए, इसमें हो गया आपके पास 44 मार्क्स। आपको चाहिए कितने थे? 27। आपके आ कितने रहे? 44। लेकिन मान लीजिए कि अभी भी आपकी किस्मत ख़राब है और जो कुछ जो आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया, मतलब ये जो 20 नंबर आने थे वो 20 नंबर नहीं आए, बल्कि उसमें से भी 5 नंबर कम हो गए। तो 20 नंबर जो आने थे पहले उसमें से भी आपके नंबर कट गए, 5 नंबर कम हो गए, तो कितना आ गया? 15 मार्क्स हो गए। ये जो 2-2 क्वेश्चन आपने किए थे, 20 की बजाय आपको 15 ही मार्क्स मिले। और जो 22 वाले जो आप कर रहे थे, एक एक मार्क्स सब में ला रहे थे, वो भी आपके नहीं आए, और 22 में से भी आपके नंबर कट गए 7, तो आपके इसमें कितना आए? 15 मार्क्स। आपने सोचा था कि मेरे 22 नंबर आ जाएंगे, लेकिन किसी वजह से कोई चीज़ गलत हो गई और आपके 15 ही मार्क्स मिले। तो 15 ये और 15 ये, इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो आते हैं हमारे 30 मार्क्स। अब आपको कितने चाहिए? 27। आपके आ कितने गए? 30। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से किसी भी सब्जेक्ट में, मैंने तो कभी मैथ्स के बारे में बताया आपको कि मैथ्स में इस तरह से पास हो सकते हो, लेकिन ये ट्रिक आप सभी सब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में तो अच्छा होता नहीं है, किसी एक सब्जेक्ट में वो वीक भी होता है। तो वो वीक सब्जेक्ट जो आपका हो उसमें आप इस तरह का जो ट्रिक है वो इस्तेमाल कर सकते हो, और 101% आप इस ट्रिक के थ्रू पास हो गए, ये मेरी गारंटी है। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक और कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।